you all are doing great. So my name is Neha, मैं बनाती हूँ videos on fashion, beauty, lifestyle, mama baby talks and vlogs. तो आज मैं लेकर आई कुर्ता हॉल जो कि बहुत ही ज्यादा huge होने वाला है. जैसे कि आप जानते हैं कि festival season का start ही हो गया है, तो बहुत ही सारा festival lined up है, तो बहुत सारे कुर्तीज use होने वाले हैं. तो मैं सोचा कि क्यों ना affordable range में कुर्तीज buy किया जाए. So all are like around 300. Not exactly under 300, but उसी के आसपास ही है. Like don't worry, उससे ऊपर बिल्कुल नहीं जाने वाला. बहुत ही affordable है, बहुत ही stylish है. And like एक ही तरीके का नहीं है, मतलब इतने ज़्यादा मैंने styles में add करने की कोशिश की, बहुत सारे colors मैंने उसमें include किए. Video start करने से पहले अगर अभी तक मेरे channel को subscribe नहीं किया तो subscribe कर लीजिए, bell button को दबा दीजिए, friends से family के साथ share भी कर सकते हैं. आज की video में मैंने बहुत सारे कुर्ते include किए, एक नहीं दो नहीं पूरे 10 कुर्ते. तो बहुत ही बड़ा video होने वाला. तो snacks लेकर आइए और video को enjoy करिए. So let's get started. तो आज का सबसे पहला कुर्ता है ये, जो कि बहुत ही सुंदर है. मैरून एंड ऑफ व्हाइट कलर का है इसमें, और ये स्ट्रेट लाइनिंग जाता है. ये ए लाइन कुर्ता है, आप देख सकते हैं. ये एक्चुअली वीडियो में नहीं दिखा पाऊंगी, आप देख सकते हैं ट्राई ऑन हॉल में मैं दिखा सकती हूँ. ये बहुत ही लाइक इसके नीचे जाके बहुत ही लंबा घेर आ जाता है. राउंड नेक है और बीच में पूरा बटन जाता है. बहुत ही प्यारा लग रहा है. इसमें ट्राइबल प्रिंट है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही एलिगेंट है, बिल्कुल फेस्टिवल एप्रोप्रिएट है. मेरे को ऐसा लग रहा है इसको देख के ना मुझे नवरात्रे वाली फीलिंग आ रही है. जो लोग स्लीवलेस नहीं पहनते हैं या आपका मन है स्लीव लगवाने का, तो इसमें स्लीव्स भी आते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है. और ये देख सकते हैं कितना सुंदर है, कितना लाइक 300 में आपको इतना प्यारा सा कुर्ता मिल रहा है. सबकी रेट आपके स्क्रीन पे होंगे, वहां पे देख सकते हैं, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे. बहुत ही सुंदर, एकदम ट्राइबल लग रहा है. और बैक पे भी सेम टू सेम है. बहुत ही बड़ा कुर्ता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा हेवी टाइप का कुर्ता है. इसमें ना बहुत ज्यादा कपड़ा यूज किया गया है, नीचे एकदम जाके घेर आ जाता है. दिस इज फ्रॉम द ब्रांड अवासा एंड माय साइज इज मीडियम. इसके काफी अच्छे वैरायटीज है, काफी अच्छा ह्यूज कलेक्शन है अवासा में. नेक्स्ट आ जाता है अगेन लाइक वन ऑफ माई फेवरेट कुर्ता. तो ये बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा कुर्ता है. इसका जो नेक है ना, वही मेरे को सबसे ज्यादा पसंद आया. इसका देख सकते हैं वी नेक है, बहुत ही प्यारा सा नेक है. और इसके नेक जो है ना, उसमें ना कपड़ा अलग से ऐसे लाइक ऐसे होता है ना पट्टी सी ऐसे अटैच की हुई है, उसमें मिरर वर्क है, बहुत ही इंटीग्रेटेड डिजाइन है. और नीचे जाके आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे बेल्ट भी बहुत ही सुंदर सा दिया हुआ है. अलग से ये अटैच किया हुआ है बेल्ट, और यहाँ पे ऐसे टाई करने के लिए दिया हुआ है विद टेसल्स. बहुत ही प्यारा सा येलो ग्रे एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन है, मुझे बहुत सुंदर लगा. और इसकी स्लीव्स 3-4 स्लीव्स आ जाती है. इसमें अगेन ये बेल्ट लगा हुआ है, और इतना सुंदर सा इसमें घेर है. बहुत ही प्यारे से छोटे-छोटे फ्लावर्स से बने हुए हैं. बहुत ही प्यारा सा प्रिंट है. अगेन नीचे भी आके आपको ये बेल्ट सही सेम आपको जो स्लीव्स में बेल्ट दी थी वही वाली बेल्ट नीचे भी आ जाती है, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है. और बहुत ही ज्यादा ये फ्लोई ड्रेस है, मुझे बहुत सुंदर लगा इसको. लाइक जरूरत नहीं है कि आप नीचे कुछ प्लाजो या चूड़ीदार या सिगरेट पैंट वगैरह पहने, इसको आप ऐसे ही पहन सकते हैं. मुझे तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है. इसको ऐसे आप एज अ मैक्सी ड्रेस भी पहन सकते हैं. बहुत ही प्यारा सा इसमें जो घेर है ना, बहुत ही ज्यादा है. दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट आउटफिट ऑफ दिस एंटायर हॉल. तो दिस अनारकली इज फ्रॉम अवासा अगेन एंड माई साइज इज मीडियम. तो ये काफी अच्छा फिट आ रहा है मुझे. लाइक थोड़ा सा लूज है, लेकिन जो मैक्सी ड्रेस का जो फील होता है थोड़ा सा लूज लूज में ज्यादा अच्छा लगता है. तो ये थोड़ा सा लूज है. आई एम वेरी मच हैप्पी विद दिस फिट. नेक्स्ट कुर्ता आ जाता है जो कि ये रानी कलर का है, जो कि बहुत ही प्यारा सा लग रहा है. नेक में इसके जरी वर्क आ जाता है विद लिटिल बिट ऑफ सिप पीस. बहुत ही प्यारा लग रहा है. और इसमें जो है ना ये फॉल प्रिंट दी हुई है ऑल ओवर. यहाँ पे ऑल ओवर फॉल प्रिंट है. ये ए लाइन फिटिंग का ड्रेस है. एंड नीचे जाके ये हाई लो इफेक्ट आ जाता है इसमें, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है. और इसमें जो नेक है वो काफी सुंदर लग रहा है, इसमें बहुत प्यारा लग रहा है. और इसकी स्लीव्स भी अगेन 3-4 आ जाती है, जो कि काफी अच्छा लगता है. कुर्ते में ना 3-4 स्लीव्स काफी अच्छी लगती है. और बैक में भी बिल्कुल सेम आ जाता है. और इसकी फिटिंग बहुत ही सही है, ऐसा लग रहा है कि ये मेरे लिए बनी है, बिल्कुल ऑल्टर करके किसी ने मुझे दी है. एकदम एप्रोप्रिएट, एकदम ना टाइट है ना लूज है, एकदम फिट है ये. तो इसको मैं गोल्डन कलर की प्लाजो के साथ मैंने इसे स्टाई किया है. बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें गोल्डन कलर का आप देख सकते हैं जो प्रिंट है ना, वो बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इस प्लाजो के साथ. दिस इज फ्रॉम द ब्रांड अवासा अगेन एंड माई साइज इज मीडियम. काफी अच्छा फिट है. अगर आप चाहते हैं कि आपका कुर्ता थोड़ा सा लूज हो, तो इसमें आप एक साइज बड़ा लीजिएगा, क्योंकि ये एकदम फिट आ रहा है. तो बहुत होगी ए लाइन फिटिंग वाली और अनारकली. तो अब एक स्ट्रेट फिट कुर्तीज भी देख लेते हैं. तो ये है स्ट्रेट फिट कुर्ती, जो बहुत ही प्यारा सा मस्टर्ड कलर में. इसमें बहुत ही प्यारे से जो फ्लावर्स बने मुझे बहुत सुंदर लगे, बहुत ही ज्यादा इंट्रिकेट फ्लावर्स हैं. और पूरे में भी ऑल ओवर में भी बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स लगे ऑल ओवर में. और नीचे भी जाके
फ्लावर प्रिंट आ जाता है। ये जो आपको मैंने पहले सारे आउटफिट सिखाए वो सारे रेयॉन फैब्रिक थे। इसका नेक राउंड नेक आ जाता है, इसकी स्लीव्स 3-4 स्लीव्स आ जाती है, काफी अच्छा। ये काफी लूज है, ये भी मीडियम साइज है, पता नहीं मुझे क्यों लूज है। ये भी आवासा ही ब्रांड है, सेम ब्रांड में अलग अलग आउटफिट्स में अलग अलग फिट आ रहा है, तो ये वाला मुझे लूज हो रहा है, बट एनीवेज इट्स ओके, थोड़ा सा फिटिंग की जरूरत है इसमें। और पीछे ओवरऑल सेम छोटे छोटे फ्लावर्स का फुल प्रिंट है, बैक में भी पूरा प्रिंट है, तो बैक में प्रिंट जब होता है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। इसको भी आप गोल्डन प्लाजो के साथ स्टाइल कर सकते हैं या गोल्डन स्ट्रेट पैंट के साथ स्टाइल कर सकते हैं, इवन पिंक के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगेगा एंड काफी ज्यादा कम्फर्टेबल है। इसका जो कपड़ा है ना काफी बाकी से मुझे ज्यादा कम्फर्टेबल लगा। ये नेक्स्ट कुर्ता है, ये पिंक कलर कुर्ता जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसका आप प्रिंट देख सकते हैं, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। इसका जो फॉइल प्रिंट है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ज्यादा लाइक एकदम फेस्टिवल अप्रोप्रिएट वाला प्रिंट है, एकदम स्ट्रेट प्रिंट आ जाता है इसमें। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है काफी ज्यादा इलांगेटेड इफेक्ट आ रहा है इससे, काफी ज्यादा लाइक थोड़े पतले भी लग रही हूँ मैं और एक इलांगेटेड इफेक्ट आ रहा है तो इससे लंबे भी लग रहे हैं, तो ये काफी अच्छा है। जो ऐसे बोलते हैं ना वर्टिकल स्लाइन जाते तो वो काफी अच्छा रहता है। तो यहाँ पे पूरा प्रिंट है सेम टू सेम, पूरा ऐसे फ्लावर ट्राइंगुलर सर्कुलर कुछ प्रिंट्स जा रहे हैं, काफी सुंदर है। और इसे बैक में भी पूरा प्रिंट है। इसका जो नेक है राउंड नेक है और पीछे इसके की होल डिटेलिंग है जो बाकी में नहीं है, यहाँ पे की होल डिटेलिंग दी हुई है एंड स्लीव्स इसके अगेन 3/4 है, काफी अच्छा। इसमें लाइक थोड़ा सा खरखर वाला है, बाकी जो है ना रेयॉन फैब्रिक के बाकी जो कुर्ते अभी तक मैंने दिखाया वो काफी ज्यादा सॉफ्ट है, इसमें थोड़ा खरखर है क्योंकि ये थोड़ा पूरे में ओवरऑल फॉयल प्रिंट बहुत ही ज्यादा इंटीग्रेट है इसमें। और नीचे जो इसका जो यहाँ पे जाके जो फॉयल प्रिंट आता है ना बहुत ही सुंदर लग रहा है, कलर भी बहुत ही प्यारा खिल के आ रहा है मेरे पे। और ये भी ब्रांड है आवासा, लाइक लगता है मैंने सारे आवासा के खरीद लिए, बट इतने सुंदर सुंदर है ना। ओके, ये स्मॉल में था, ये मुझे बहुत ही ज्यादा फिट हो रहा था, आई थिंक मैंने गलती से ऑर्डर कर लिया है, मुझे चेक करना पड़ेगा कि मैंने स्मॉल में ऑर्डर किया या मीडियम में, बट एनीवेज बहुत ही प्यारा फिट आ रहा है। नेक्स्ट कुर्ती आ जाता है ये मैरून कलर में, बहुत ही सुंदर कुर्ती है, आप देख सकते हैं ये नेहरू कलर जैसा है। और इसकी जो यहाँ पे गले में ना बहुत ही अच्छा सा पूरा कढ़ाई का वर्क है, देख सकते हैं बहुत ही सुंदर एंड काफी ज्यादा सफाई है। अपार्ट फ्रॉम नेक बाकी में फॉयल प्रिंट आ जाता है इसमें, सिल्वर एंड गोल्डन का प्रिंट है, पूरे ऑल ओवर में सेम टू सेम प्रिंट जाता है, सेम आगे है सेम पीछे है। और आगे में यहाँ पे बटन भी आ जाते हैं जिसके बटन के ऊपर भी सेम ये वाले कपड़े का ही ऊपर चढ़ा हुआ है। और इसमें जो है स्लीव्स आ जाती है 3/4 स्लीव्स एंड इसमें स्ट्रेट फिट कुर्ता है, ये पूरा नीचे तक आपको बटन डिटेलिंग दी हुई है एंड सेंटर में से कट आ रहा है, ये भी काफी सुंदर लग रहा है। इसको भी मैंने गोल्डन प्लाजो के साथ पेयर किया है, काफी अच्छा है और इसका फिटिंग भी काफी अप्रोप्रिएट है, ये भी ब्रांड आवासा का ही है एंड इसका मैंने स्मॉल में मंगाया है तो ये काफी अच्छा फिटिंग आ रहा है। आप चाहे तो मेरे साइज के अगर आप हैं तो आप मीडियम में भी परचेज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत सारे कलर इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है, बहुत अच्छे अच्छे कलर, जैसे पिंक है, मस्टर्ड कलर है, इसमें मैरून कलर है, इसमें ग्रे है, इसमें ब्लू है, इसमें ब्लैक है, इसमें येलो है, तो मतलब बहुत सारे लाइक आप सबके लिए कुछ ना कुछ कुर्ते का डिजाइन और कलर मिल ही जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट कुर्ता आ जाता है ये ग्रे कलर का कुर्ता जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक वन ऑफ माय फेवरेट्स। और इसके नेक में ना ये बीड्स लगी हुई जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है, ये गोल्डन कलर की बीड्स और इसमें छोटे छोटे फॉयल प्रिंट है गोल्डन कलर की जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये ए लाइन फिटिंग का कुर्ता है, नीचे जाके वो टेंस हो जाता है जो प्रिंट ऊपर है ना, वही छोटे छोटे प्रिंट्स नीचे भी आ जाते हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये ड्रेस मुझे बहुत ही प्यारा लगा और ये स्लीवलेस है लेकिन इसमें भी स्लीव्स दी हुई है जो कि बहुत ही अच्छी बात है, जिसको चाहिए वो लगा सकते हैं। और पीछे की होल डिटेलिंग दी हुई है जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसका जो ये ड्रेस है ना मुझे बहुत प्यारा लगा, इसको भी प्लाजो के साथ मैं पेयर करूंगी, बहुत सुंदर लग रहा है प्लाजो के साथ मैंने इसे स्टाइल किया, देख सकते हैं। और नीचे बहुत ही प्यारे प्यारे से इसमें गोल्डन कलर के टेसल्स लगे जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है, इसके साथ बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है और काफी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ये टेसल्स। ये हल्का सा लूज है जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है, थोड़ा सा लूज सा कुर्ता बहुत अच्छा लगता है। ये फ्रॉम द ब्रांड फ्यूजन है, थैंक गॉड डिफरेंट ब्रांड तो आया, ये फ्रॉम द ब्रांड फ्यूजन है एंड साइज इज मीडियम, बहुत ही प्यारा लग रहा है, लाइक वन ऑफ माई फेवरेट। एंड बैक में भी सेम टू सेम प्रिंट है जो फ्रंट में है। नेक्स्ट कुर्ता आ जाता है जो कि मैंने ये पहना है, मैंने सोचा बहुत ही ज्यादा रेड येलो पिंक ये सब हो गए हैं तो कुछ अलग कलर भी लेना चाहिए, तो ये उन लोगों के लिए जो लोग ट्रेडिशनल कलर्स नहीं पहना चाहते कुछ अलग कलर पहनना चाहते, जो ये मैंने ब्लू
कलर का खरीदा है जो कि काफी सुंदर है। इसमें ऐसे ये भी 3/4 से थोड़ा छोटा स्लीव्स है जो कि काफी अच्छा लगता है एंड इसमें राउंड नेक आ जाता है। इसके जो प्रिंट है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ज्यादा लाइक फ्लोरल प्रिंट है। बैक एकदम प्लेन आ जाता है, स्लीव्स भी एकदम एक्चुअली प्लेन है और ये क्रेप मटेरियल का, बाकी सारे के सारे यहाँ पे रेयन मटेरियल है एक्सेप्ट दिस। जो क्रेप मटेरियल है वो अफोर्डेबल में तो आ जाता है, लेकिन एक चीज है कि वो उसमें ना लाइक काफी टाइम तक वो चलता है, वो खराब नहीं होता जल्दी। बट ये कि थोड़ी गर्मी भी लगती है, इस वजह से मैं थोड़ा कम ही प्रेफर करती हूँ। और ये भी स्ट्रेट फिट कुर्ता है, इसको मैंने व्हाइट प्लाजो के साथ पेयर किया जो कि काफी अच्छा लग रहा है, और ब्लू एंड व्हाइट जो है ना वो काफी ज्यादा खिलके भी आता है। तो दिस इज ऑल टुगेदर फ्रॉम डिफरेंट ब्रांड, दिस इज फ्रॉम 7 Threads। सो ट्रेडिशनल से थोड़ा अलग बात ही कर रहे तो एक और कुर्ता इंक्लूड कर ही लेती हूँ जो कि ये है, जो काफी अच्छा है। इसको डेनिम के साथ आप पेयर कर सकते हैं, काफी सुंदर है। ब्लैक एंड व्हाइट का ये स्ट्राइपी कुर्ता है, काफी सुंदर है और इसमें फोल्डेड स्लीव्स आ जाती है, रेड बटन और सेंटर में भी आपको रेड बटन मिल जाता है, राउंड नेक है, स्लीव्स काफी सुंदर है। एक मुझे बहुत अच्छी लगती है जब यहाँ तक स्लीव्स आती है ना, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे तक ये स्ट्रेट व्हाइट की लाइनिंग जाती है ब्लैक के कुर्ते में, और नीचे हाई लो है इसमें जो कि काफी सुंदर लगते हैं। इसको आप डेनिम के साथ पेयर कर सकते हैं, इसमें एक्चुअली बटन रेड कलर के, तो इसको रेड कलर के प्लाजो के साथ भी पेयर कर सकते हैं। व्हाइट कलर की लाइनिंग है तो व्हाइट कलर के प्लाजो के साथ भी आप पेयर कर सकते हैं। ये कुर्ता स्टाइल है, इसमें आप देख सकते हैं राउंडेड है, तो ये कुर्ता स्टाइल है, काफी अच्छा लगता है, ऑफिस वगैरह में पहन सकते हैं आप, कॉलेज वगैरह में पहन सकते हैं। दिस इज फ्रॉम द ब्रांड फ्यूजन एंड माय साइज इज मीडियम, काफी सुंदर है, काफी कंफर्टेबल ये कुर्ता है। तो आज के लास्ट कुर्ते में हम आ चुके हैं, तो ये है येलो कलर का कुर्ता जो कि काफी सुंदर है। इसमें वुडन के बटन्स है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, और इसका जो स्लीव्स है वो फोल्डेड स्लीव्स है विद बटन इन इट, और ये नीचे तक आप देख सकते हैं काफी अच्छा सा, ये जो मैंने आपको एक फर्स्ट कुर्ता दिखा ना वैसा ही है। इसमें बहुत ही ह्यूज इसमें नीचे घेर दी हुई है अनारकली जैसे, इसको आप एज अ मैक्सी ड्रेस भी स्टाइल कर सकते हैं। इसमें सबसे खास बात है लाइक 300 के अराउंड में आपको मिल रहा है, इसमें एक लेदर बेल्ट दिया हुआ है जो कि काफी अच्छा है, काफी स्टर्डी है, लाइक खराब होने वाला नहीं है जल्दी, और इसको आप स्टाइल कर सकते हैं, इस बेल्ट को आप बाकी जगह भी यूज भी कर सकते हैं, तो ये काफी अच्छा। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें पॉकेट्स दी हुई है, दिस फ्रॉम द ब्रांड फ्यूजन एंड माय साइज इज मीडियम जो कि काफी अच्छा, ये रेयन फैब्रिक है, ये भी मटेरियल काफी ज्यादा नीचे जाके हैवी हो जाता है क्योंकि काफी ज्यादा लेंथ के कपड़े इसमें यूज किया हुआ है, लाइक इतने कम में इतना सारा आपको मटेरियल मिल रहा है और क्या चाहिए। सो बाय दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। आप लोगों को कौन सा कुर्ता पसंद आया प्लीज कमेंट डाउन बिलो, और आप आगे क्या वीडियो देखना चाहते हैं प्लीज कमेंट डाउन बिलो, और वैसे भी फेस्टिवल सीजन आने वाला है तो बहुत सारी तैयारी आपकी चल रही होगी, इस तरीके का वीडियो देखना चाहते हैं सो दैट की मैं आपकी हेल्प कर सकूं। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया और अभी तक टिके हुए तो लाइक भी कर लीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।